भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ और 70% यानी कि तकरीबन 82 करोड़ आबादी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गांव और ग्रामीणों के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर साल लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश करती हैं, लेकिन गांव फिर भी विकास से महरूम। आवास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएं और विकास, देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रामीणों की समस्याएं कमोबेश एक जैसी थी। अधिकारी जानते थे गांव वालों की समस्या का मुख्य कारण सरकारी योजनाओं की जानकारी ना होना और ग्रामीणों का ग्राम सभा की उपयोगिता से अनजान होना था। आवश्यकता थी ऐसे लोगों की जो अपने गांव के विकास के बारे में सोचते हों और अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए समय दे सकें। ऐसे लोग जो सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर सकें और अपने गांव के सभी घरों तक सरकारी कार्यक्रमों के लाभ को पहुंचाने में मदद कर सकें। ऐसे लोगों को नाम दिया गया भारत निर्माण सेवक का। विभिन्न प्रदेशों में चयनित भारत निर्माण सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि ये लोग गांव समुदाय को यानी ग्राम सभा को अपनी शक्ति की पहचान कराएं और ग्राम सभा तथा सरकारी संस्थाओं के बीच संबंध बना सकें। तभी जाकर गांव में लोगों तक कार्यक्रमों का फायदा देखने को मिलेगा और सरकारी संस्थाओं को भी सभी घरों तक पहुंचने का एक माध्यम भी मिलेगा। कम्युनिटी एम्पावरमेंट साइकिल यानी कि सामुदायिक अधिकारिता चक्र के माध्यम से विकास की इस प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। भारत निर्माण सेवकों के प्रयासों से जहां एक तरफ जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ने से ग्राम सभा को बल मिला, वहीं दूसरी तरफ विलेज डेवलपमेंट प्लान में गांव वालों की सहभागिता और सोशल ऑडिट के द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने की शुरुआत की गई ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल सके। भारत निर्माण सेवकों ने गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया है ताकि सचेत हो सकें वो अपने अधिकारों के बारे में। रोजगार और आवास के साथ सर्वांगीण विकास देश के दूर दराज के गांवों में दिखने की शुरुआत हो चुकी है। आज भारत निर्माण सेवक ग्राम सभा और सरकारी संस्थाओं को एकजुट करते हुए विकास के कार्यों में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं ताकि अधिकार संपन्न समुदाय और सजग प्रशासन ग्रामीण भारत को विकसित भारत बना सके। आज तकरीबन 700 गांवों में 90,000 से अधिक भारत निर्माण सेवकों के काम से लोगों को उनका हक दिलाने में सफलता मिली है। अगर बीएनवी के सारे वॉलंटियर एक साथ हर जिले में हर स्टेट में जुड़ गए तो मुझे लगता है हुरे बाजार से बढ़िया गांव इस देश में हम निर्माण कर सकते हैं।